पाप पुण्य स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु इन सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस उम्र तक किया गया कोई भी पाप आपको नहीं लगता। जी हाँ, किस उम्र तक किया गया कोई भी पाप आपको नहीं लगता, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हर बार की तरह एक बार फिर से कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। यह तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है। मनुष्य चाहे जो भी पाप करे, चाहे वह माता पिता की सेवा न करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ाएं और यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप माननीय नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मान्य नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष तक बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पाप कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेल देता है। इसलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोर अवस्था हो, युवावस्था हो या बुढ़ापा हो, यह सोचिए कि आपको क्या करना है, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको बुरे कर्म करने हैं, क्योंकि बुरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते भी हैं, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा,